हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। कुत्ते को ज्यादा ही आज भूख रहे हैं। अरे कितने सारे कुत्ते पीछे भड़के जा रहे हैं। ये स्कूटी से कार से आओ साले, तो ये है कि थोड़ा बहुत पीछे करके छोड़ देते हैं। साइकिल तो साथ में है, छोड़ने आए हैं यार, कमाल कर दिया। बाकी सुकून शांति बहुत ज्यादा है, सामान भरा हुआ है पूरी तरीके से। सबसे पहले निकालो भाई नठिया अपनी। ये आप लोगों ने हमारा सारा सेटअप देखा होगा, पहले हमारी कार में, फिर हमारी कैंपर स्कूटी में, और अब हमारी कैंपर साइकिल में। तो इसमें मैंने थोड़ा सा काम कुछ अलग से करवाया है जल्दी। बाकी पानी, अपना टेंट, स्टूल, किचन का सेटअप, गद्दा, टेबल, और इस साइकिल को साथ में लाने की हम लोगों को ज़रूरत नहीं थी, मगर ये बोला मामा जब जा ही रहे हो तो इस बार यार मुझे भी साथ में लेके चलो। तो ये भी मेरी दूसरी साइकिल है जो हमने अपनी कायर के लिए ली थी, रूफ टॉप टेंट बांधने से पहले, कि जब हम कहीं ट्रिप पर जाएंगे तो इसको हम लोग साथ लेके जाएंगे। पिछली गर्मी में हम लोग साथ में पूर्णागिरी गए थे ट्रिप पर, तब भी हम लोग इस साइकिल को साथ में लेकर गए थे। क्यों? मगर इसको यूज़ नहीं कर पाए थे यार। बाकी इस साइकिल से भी हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। इस साइकिल से भी मैं एक ट्रिप कर चुका हूँ कम से कम 10 दिन की। मुलायम सिंह यादव जी की समाधि पर गया था मैं इस साइकिल से। तो जल्दी जल्दी हम लोग अपना सारा सामान इससे खोल लेते हैं, अपना सेटअप लगाते हैं, फिर आप लोगों के साथ में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सारा सामान हमने अपना उतार कर रख दिया है, साइकिल को अपनी थोड़ा आराम दे देते हैं। तो टेंट अपना मस्त लग चुका है, जाली बंद कर रहा है भांजा ताकि मच्छर छुड़ ना आए। इस साइड का भी देख ले एक बार, इस साइड की भी खुली हुई है यार, देख ले मच्छर को ज़्यादा ही लग रहे हैं आज, है ना? हवा नहीं चल रही है ना बिल्कुल भी। एक साइकिल अपनी ये खड़ी हुई है, एक साइकिल अपनी यहाँ है, और बल्ब मैंने यहाँ लगा दिया है। बाकी वीडियो जो शूट कर रही है वो कर रही है अपनी ये बड़ी बिल्ली लाइट। चलो यार जल्दी सारा सेटअप अपना लगाए। गद्दा हो चुका अपना बढ़िया रेडी, और पिल्लो भी रेडी। वाह वाह, चलो भैया इसे शिफ्ट करते हैं अंदर। दो लीटर की बोतल है, इसको ऊपर से काट दिया है और धागे से पूरा इसको अच्छे तरीके से बांध दिया है, ताकि इसको मैं यहाँ लटका दूँ इस टाइप से। इसलिए हम लोग यहाँ टांग देते हैं। ये देखो यहाँ से काट दिया है, अब यहाँ से हम हल्के से इसको खोलेंगे। इस तरह से हम इसे यूज़ कर सकते हैं, और इसको यूज़ करने के बाद यहाँ से इसको बंद कर दिया, और फिर इसे खोलना हुआ तो हल्के से ये हमने खोल दिया। वाह भाई वाह, मज़ा आ गया ना। तो आज भांजा साथ में है तो थोड़ा बहुत काम इससे भी करवा लेते हैं यार। वैसे भी बहुत दिनों से तूने कैंपिंग नहीं की है तो मिस कर रहा होगा तू भी कैंपिंग को, है तो आया तो आज थोड़ा काम कर दे यार। हर मच्छर काट रहे हैं बहुत ज़्यादा, गैस को करते हैं ऑन, लाइटर सारा मिल नहीं रहा है, तो पहले ये जलाते हैं, अपने टेंट के आसपास लगाते हैं ताकि मच्छरों से थोड़ा बचे रहें यार। मैंने पिछली बार ही बताया था और इस बार ही बताता हूँ यार, यहाँ से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, खटपट 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 खटपट, भागा दौड़ी टाइप की। इस एरिया में जंगली सूअर ज़्यादा हैं, क्या है पता नहीं यार, फिलहाल है कुछ। तो आज जो अपनी कैंपिंग हो रही है वो हो रही है चंदा मामा के बिल्कुल नीचे, बिल्कुल रोशनी रोशनी है तो कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है ना। आज ये भी थोड़ा अच्छा हो गया है कि चलो कि हम लोग थोड़ा बहुत देख सकते हैं, मगर पर थोड़ी सी दिक्कत क्या हो रही है, जो झाड़ दिख रहे हैं ना ये, जब उस इनके ऊपर जब रोशनी पड़ रही है ना तो ये काले काले से दिखाई दे रहे हैं, जैसे कुछ साया सा खड़ा हुआ है सारा देख रहा हो हम लोगों को, या कुछ बैठा हो जानवर। ये बस थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, बाकी जो सब बढ़िया है। और ये देखो भाई अपनी साइकिल, ये तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है लाइट की यार अब, क्योंकि हमें वापस तो सुबह जाना है ना, तो इसको भी जलाकर खड़ी कर दो ऐसी, ताकि थोड़ा इससे भी रोशनी रहेगी ना तो बढ़िया रहेगा। इस साइकिल में तो है नहीं ना, ये साइकिल देखो छोटी सी है, ये भांजे की है।
बाकी टेंट के अंदर हमने अपना सारा सामान पहुंचा दिया है। अब देखते हैं कुकिंग के लिए, हम लोग अपने कर रहे हैं थंबनेल की तैयारी। और ये जो उल्लू है ना, ये बैठा है ना, ये काफ़ी टाइम से मुझे परेशान कर रहा है। ये देखो बत्ती भी अपना बढ़िया काम कर रही है, जहाँ भी हवा चलती है उस साइड धुआं ले जाती है और खुशबू के साथ साथ मच्छर भी दूर हो जाते हैं। तो हो चुकी है अपनी दोनों साइकिल लॉक बढ़िया तरीके से। ये अपना पुराना ताला है, मैंने ये दो साल पहले जब मैंने ये साइकिल ली थी तब मैंने ये ताला इसके साथ में ही लिया था। तो इसकी चाबी पता नहीं कहाँ चली गई है, इसको भी अब कटवा देंगे कल बल में। और मैंने अभी जो नया अपडेट इसमें किया है साइकिल में, पहले जो अपना कैरियर था वो था यहाँ से लेकर यहाँ तक का, अब मैंने ये थोड़ा सा एक बढ़वा दिया है, ठीक है, बीच में एक सपोर्ट दे दिए, इधर भी बीच में एक सपोर्ट दे दिए। यह अब ऐसा हो गया, अब ये चौड़ा हो गया है। पहले भी अपना ये एंटीने टाइप के जो खड़े हैं ये पहले भी अपने थे। ये किस लिए है कि बीच में टेबल कुर्सी बैग अपना बीच में यहाँ फांस दो, कभी झुकती है गिरने जैसा होता है या कुछ भी ऐसा होता है तो इनसे जो है अपने बैग या गड्ढे वड्ढे में कहीं ब्रेकर में अगर तेजी से निकाल दिया तो इससे अपने जो है बैग जो है बचे रहते हैं। ये इससे हमारा बहुत फ़ायदा है और अभी भी इसने हमारी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की। अगर ये नहीं होता तो शायद सामान बांधने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती। तो आज फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ कर रहा हूँ कि टेंट के अंदर बैठकर या बाहर साइड में टेबल का यूज़ करूँगा, कुकिंग करूँगा। और तो ये फॉर्म भी इस बारी न्यू ऐड किया है, तो इसको करते हैं साइड में। अभी बैठा इस पर लुढ़क गया यार मैं, इसलिए हाँ ये बढ़ गया है ना। आय हाय, ये स्टूल अपने साथ में हमेशा रहता ही है, अपना आराम से मजे करो बैठकर। तो सारा सामान मैं रख लाया था अपने इस बैग में, ये देखो अपनी कढ़ाई वढ़ाई है, ये वो मक्खन वक्खन अपना सब रखा हुआ है, और इसमें अपना अंडे वंडे और कुछ थोड़ा सा मैगी वैगी छोटा मोटा कुछ अपना चकना सारा रखा हुआ है। इन्वर्टर और बोर्ड अपना साथ आया है और ये दोनों अपने काम पर लग चुके हैं, अपनी टॉर्च हो रही है चार्ज। गद्दा अपना देखो हवा भर के मस्त एकदम पूरा रेडी है। बर्तन और खाने में जो आज अपना यूज़ होने वाला है वो है ये पानी। ये देखो आप बीच बीच में आप धुआं देख रहे हो ना, दो तीन जगहों पर मैं इसलिए लगा देता हूँ धूपबत्ती ताकि हवा कहीं भी चले तो धुआं अपने आसपास आता रहे और अपने टेंट में भी जाता रहे। देखो ये एक भी मच्छर नहीं दिख रहा है यार। बहुत टाइम पहले ना मैं सोचा करता था कि यार कभी ऐसा भी कुछ करूँगा, ये भी करूँगा, वो भी करूँगा, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, ये बनाऊँगा, वो बनाऊँगा, सारा बैठा बैठा ख्याली प्रायो बनाया करता था। एक से डेढ़ साल पहले सोचता था और आज मैं कर पा रहा हूँ उस चीज़ को, मेरे लिए यार ये बहुत खुशी की बात है। मैं लोग कहते हैं ना खाने का टाइम ये सब चीज़ें, मैं सच में बताऊँ मैं इमोशनल सा हो जाता हूँ यहाँ पर रहकर। मेरा भांजा मेरे साथ है, काफ़ी दिन बाद आज मेरे साथ में आया है और इन दिनों में ज़्यादातर जो कैंपिंग हुई है वो सोलो कैंपिंग हुई है, मगर मैं इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाता हूँ, बहुत ज़्यादा, कि मैं ये कर पा रहा हूँ यार। मुझे ये इस चीज़ की मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं ये कर पा रहा हूँ, वरना मैंने देखा है कि कितने सारे लोगों से मैं डेली मिलता हूँ जो सिर्फ सपने ही देख रहे हैं यार। सालों साल से सोच रहा हूँ कर नहीं पा रहे हैं, मैं कर पा रहा हूँ और इसमें आप लोग मेरी सपोर्ट कर रहे हो और उम्मीद करूँगा आगे भी आप लोग मेरी सपोर्ट करोगे यार। और इस टाइम मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो कर दूंगा जो किसी ने किया नहीं है, किसी ने सोचा नहीं है, मगर आप लोगों की सपोर्ट चाहिए ऐसे ही। अब टाइम तो ओवर हो चुका है मगर क्या करें यार, मज़ा आ रहा है तो पीते हैं कॉफ़ी, और भांजे का भी मन है, ये काफ़ी टाइम बाद आया है तो चलो इसको भी थोड़ा खुश कर देते हैं। अब क्या पता ये कब हमारे साथ कहाँ कैंपिंग में जाएगा, आज इसको ले आया, अब मेरा मन है एक बार साइकिल से सोलो करने का, तो इसको तो लाऊंगा नहीं, हम और आप रहेंगे, ज़्यादा बातें कर पाएंगे। अभी इससे बात करते हैं और कॉफ़ी की तैयारी करते हैं। इतना सारा सामान हम लोग साइकिल पर लेके कैसे आए? हाँ हम लोग नहीं, मैं लाया हूँ। हाँ मैं तो थोड़ा बहुत तो लाया। हाँ नहीं तू ये तू सिर्फ एक स्टोव लाया है और बस ये गद्दा लाया है और कुछ भी नहीं लाया, बाकी सारा सामान मैं लाया हूँ। तो रात के बज चुके हैं डेढ़ और चांदनी रात में डेढ़ बजे कॉफी पीने का मजा ही हो रहा है। कॉफी इसके हाथ में, ये देखो भैया थोड़ा थोड़ा हो रहा है कोहरा। वाह भाई वाह, ये देखो आप तो चांद की जो रोशनी पड़ रही है ना हमारे बर्तनों पे, ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ना,
और ये देखो व्हाइट व्हाइट पूरा दिखाई दे रहा है, इसकी परछाई भी दिख रही है इसमें, है ना। एक लाइट नहीं है यार, आज हमें ऊपर वाले ने चांद की रोशनी दे रखी है हमें इस टाइम यहाँ रोशनी देने के लिए। रोशनी तो आप पूरी दुनिया को दे रहे हो मगर हमें यहाँ खास ज़रूरत है, तो अभी हम अपने लिए ही समझेंगे। ये देखो मोर बोल रहे हैं, क्यों? मुझे तो एक तरफ कुत्ते भोंक रहे हैं, एक तरफ कुत्ते भोंक रहे हैं, एक तरफ मोर, और ये हर जगह है, एक बोल रहा है तो सारे बोल रहे हैं, सब बोलते हैं यार। कुत्ते बहुत ज़्यादा रो रहे हैं यहाँ पे यार, ये देखो शुरुआत हो गई है। और जंगली सुअर भी हमें थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं इस पूरे एरिया में। से अपना सामान सारा समेटते हैं और साइकिल तो हमने पहले अपनी बढ़िया तरीके से बांध दी है और चलते हैं अंदर। आधा बंद कर दे आधा, और ला इसको ढक दे अभी यार। हाँ थैंक यू, आ जा। क्या ऑक्सीजन ढूंढ रहा है? नहीं तो चेक कर रहा था, मुझे लगा ऑक्सीजन ढूंढ रहा है शायद। हाँ स्लीपर रख ले इसमें बढ़िया तरीके से। मेरी स्लीपर, मेरी जो स्लीपर है वो आ चुकी है इस हमारे इस पॉलिथीन में, और ये अपने स्लीपर रख रहा है इस पॉलिथीन में, और हम लोग पॉलिथीन यूज़ कर रहे हैं अपनी डस्टबिन वाली ही। सारा सामान हमने अपना अंदर सेट कर दिया है बढ़िया तरीके से, ये देखो भाई पूरा घुसेड़ दिया अंदर, और अपनी जो बैटरी थी ये लगा दी चार्जिंग। अरे मेरी चार्ज कहीं नहीं हो रही है यार। हाँ भैया हो गई चार्ज, होने लगी चार्ज, 58% हो गई। हाँ बता, अगर हम लोग अगर अंदर लेटेंगे सोएंगे तो हमारी साइकिलें भी देखो आराम से लेटी हुई हैं, आराम। सारा सामान अंदर आ गया? आ गया। तो बेटा अब तुम ये उतार दो हैं, इसको रखो अंदर और इसे करो बंद बढ़िया तरीके से। कितना बढ़िया लग रहा है ना बाहर का व्यू यहाँ से। बाकी आप लोगों को सुबह सब बढ़िया से दिखाएंगे, थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं और फिर उसके बाद सोने की कोशिश करते हैं क्योंकि 2 बज चुका है ऑलरेडी। चलिए अब आप लोगों से मुलाकात होगी सुबह, गुड नाइट। उसी पेड़ पर उल्लू बैठा हुआ है और चिल्ला रहा है, इतनी तेज आवाज आ रही है यहाँ देखो आप। और ये आप देखो बाबूजी को कितने मजे से सो रहा है, होश ही नहीं है बिल्कुल। अरे चुप जा यार, तो कहीं और चला जाना, साला मेरी जान खाया हुआ है। और वो जो विंडो खोल रखी है मैंने तो वहां से आ रही है ठंडी ठंडी हवा अंदर, मजा आ गया भाई। गुड मॉर्निंग गाइस, 9:30 बज चुके हैं और धूप आ गई है तो थोड़ी गर्मी भी लगने लगी है, तो आँख खुल गई यार, बहुत बढ़िया नींद आई है। उठ जा। वो देखो हमारा डस्टबिन उड़कर कहाँ पहुँच गया है, गर्मी लग गई यार एकदम धूप की वजह से। ये वाला ट्राइपॉड दे, और सारा सामान ये ना डाटा केबल और ये अडेप्टर वगैरह निकाल कर ना ये सारा सामान बैग में पैक कर दे, थोड़ा सा मेट दो यार बहुत फैला हुआ है। बाकी हमने रात अपनी साइकिलों को आराम से लिटा दिया था, ये देखो आप दोनों साइकिल बढ़िया दोनों एक साथ में लॉक हैं और आराम कर रही हैं बढ़िया तरीके से। सारा सामान अपना पैक हो चुका है, अब बचा है ग्राउंड टेंट, इसको भी करते हैं क्लोज। ग्राउंड टेंट भी अपना पैक हो चुका है और रख दिया साइकिल पर, और अभी वो बैग है, स्टूल है, पानी है और ये ट्राइपॉड है, इसको भी सेट करते हैं अपने साइकिल पर। ये बोतल जो मैंने कैंपिंग में यूज़ के लिए बनाई थी तो ये कामयाब नहीं रही, तो हम थोड़ी मजबूत बोतल को हम लोग ऐसा बनाएंगे जिसको आप नेक्स्ट कैंपिंग में देखोगे। इस बारी साइकिल से कैंपिंग करने में जो मज़ा आया है, और सारा आप सामान देखो कितनी अच्छी तरीके से सेट हो गया है, बस स्टैंड पर खड़ी नहीं कर सकते क्योंकि वेट ज़्यादा है, तो पेड़ पर टेक कर खड़ी कर दी साइकिल, बहुत बढ़िया लगा यार सब कुछ, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। पूरी साइकिल पे देखो सारा सामान हमने रख लिया है, डस्टबिन था जिसमें हमने अपना कूड़ा फेंका है, इस तरह इस बारी भी हम अपना डस्टबिन साथ लेकर जा रहे हैं, अभी हमें डस्टबिन मिलेगा वहाँ हम फेंक देंगे,
ये देखो कैसे बैठा हुआ है, क्या थक गया क्या? कमाल इंसान हो यार। दोनों साइकिल रेडी हो चुकी हैं जाने के लिए, और आज रात भी हम यहाँ कहीं आसपास ही लोकेशन देखने आएंगे। 4-5 बजे के टाइम पर हम दोनों फिर जगह देखने यहाँ पर आएंगे कैंपिंग के लिए। कब 2-3 महीने से प्लानिंग कर रहा था कि साइकिल पे कैंपिंग करनी है, साइकिल पे कैंपिंग करनी है, मगर कर नहीं पा रहा था यार। जिस तरह आप लोगों ने अब तक सारी वीडियो को सपोर्ट दिया है, वैसे ही इस वीडियो को भी सपोर्ट दें। मैं कुछ अलग दिखाने की और कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप लोगों से भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी सब कुछ अच्छा लगता होगा, और जो मुझसे हो पाएगा आगे भी नेक्स्ट वो चीज़ दिखाऊंगा। इसके बाद जो अब नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, या वो कैंपर स्कूटी, चाहे वो कैंपर स्कूटी से हो या हमारी साइकिल से हो, के अंदर भी मैं कुछ नया ऐड करने जा रहा हूँ। कुछ मैं थोड़ा हम शॉर्ट में देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारी साइकिल पर या हमारी स्कूटी पर वेट भी कम रहे और जगह भी कम ले। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ ऐसा करने की कोशिश करेंगे। लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए जय हिंद।